वेलकम स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। हमने अपनी पूर्व क्लास में धर्म का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके तत्व, इनके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ रिलीजन, धर्म का उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, मनुष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं, और आपके भी मन में उठते होंगे कि ऐसी कौन सी दिशाएं या परिस्थिति या ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से धर्म जैसी संस्था ने जो है जन्म लिया। बहुत सारे जो मानवशास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने धर्म की उत्पत्ति, धर्म की ओरिजिन जो है उसके लिए बहुत सारे आदिम समाजों, क्योंकि हम जब उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जो है, जो पहले जिस प्रकार का समाज रहा है, आदिम समाज रहा है, या समाज की जब से शुरुआत हुई है, वहाँ हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे आदिम समाजों का अध्ययन वगैरह भी किया, और आदिम समाज या हम जिसको छोटे समाज या सरल समाज कहते हैं, वे संस्कृति के प्रारंभिक रूप और उद्गम को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अनेक मानव शास्त्री जो है, उन्होंने आधुनिक जटिल समाजों की उत्पत्ति जो की आज आधुनिक समाज जो हमारे सामने आया है, उन्होंने जो है आदिम समाज को ही इनकी उत्पत्ति या इनका उद्गम स्थल जो है इनको माना है। आदिम जातियाँ में धर्म की खोज के दौरान कई प्रकार के विश्वास, कर्मकांड का ज्ञान हुआ, जिन्होंने विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया। थाईलैंड ने धर्म का प्रारंभिक रूप जो है आत्मा में विश्वास को माना है, जिसे हम आत्मवाद कहते हैं। मेरिट जीवसत्तावाद या मानववाद, मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद, शक्तियों में विश्वास, फ्रेजर ने जादू दोनों की सफलता, जादू टोनों की असफलता, और दुर्किम स्व समाज में प्रकार्यात्मक धर्म, धर्म के प्रकार्य में धर्म की उत्पत्ति को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यहाँ पे आत्मवाद, या जिसको हम कहते हैं एनिमिज्म। या जीववाद भी बोल सकते हैं हम इसको, जीववाद, एनिमिज्म। देखिए, इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे टाइलर, जिसको मैंने आपने जब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने प्रिमिटिव कल्चर नामक किताब भी लिखी इन्होंने, और इन्होंने कहा था रिलीजन इज अ बिलीव इन सुपरनैचुरल बीइंग। सुपरनैचुरल मतलब जो मनुष्य की पहुंच या सोच या पकड़ से बाहर है। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत जो है वह ये अंग्रेजी मानव एंथ्रोपोलॉजिस्ट ई.बी. टाइलर ने जीववाद या आत्मवाद का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने ये माना है, उन्होंने इवन स्पेंसर भी इसके समर्थक रहे, और उनका ये मानना है कि ऊपरी तौर पे जो हमें धर्मों की बहुलता एवं उनमें अंतर देखने को मिलता है, पर मूल रूप में वे सभी एक ही विचार पर निर्भर है, वह है आत्मा में विश्वास। आत्मा को आपने आदिम मनुष्य से लेकर सभ्य समाज तक धर्म का आधार माना है,
इसलिए इस सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद के नाम से पुकारा जाता है। और इसलिए ये एक तरह से जो आत्मवाद है, ये मानव शास्त्रीय शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में ये नया शब्द लिखा गया है। इन्होंने आत्मा को दो भागों में बांटा है। पहला, आत्मा का सिद्धांत, जिसके अनुसार वह विश्वास किया जाता है कि मनुष्यों में आत्मा होती है जो कि मृत्यु के बाद भी शेष रहती है। मनुष्य में आत्मा होती है जो उसकी मृत्यु के पश्चात भी शेष रहती है, मतलब वो बच जाती है, वो नहीं मरती है। आत्मा जो है नहीं मरती है, ये सिर्फ हमारा शरीर है जो कि नश्वर है। दूसरा जो बात है, उन्होंने ये कहा है कि प्रेतों का सिद्धांत जिसके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी स्वीकार किया गया है जो मनुष्य की आत्माओं से पृथक है। तो मतलब एक तरीके से दो प्रकार की आत्माएं होती है, और वे जो अलग है वे क्या है, या तो प्रेत आत्मा है या वे देवी आत्माएं हैं। इस प्रकार आत्माएं प्रेतमात्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक होती है। ठीक है, जो संसार में अमर है, सांसारिक घटनाओं और मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने का कार्य करती है, और इसी कारण से जो है मनुष्य इन आत्माओं से क्या करता है, डरता है, उन्हें भय लगता है, या हम ये कहें भय मिश्रित श्रद्धा जो है देखने को मिलती है। टाइलर ने जो मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई, टाइलर कहता है धर्म की डेफिनेशन क्या है, रिलीजन इज अ बिलीफ इन सुपरनेचुरल बीइंग, धर्म आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह विश्वास उसमें दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न होता है जो कि उसने जागृत और सुषुप्त अवस्था में की हैं, जो जीवित और मृत आत्माओं अवस्था से स्पष्ट होते हैं। निद्रावस्था में स्वप्न के दौरान वह अपने किए गए और जो जीवित और मृत आत्माओं किए गए कार्यों में संलग्न देखता है, अपने पूर्वजों से मिलता है और ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ वह पहले कभी नहीं गया है। और जागृत अवस्था में क्या होता है, जागृत अवस्था में वह अपनी परछाई देखता है, तालाबों और नदियों के पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है अपनी। तो दो तरह के एक तरीके से वो हो गए, पहला क्या है, जो वह स्वप्न में देखता है, निद्रा में देखता है, और दूसरा वह जागृत अवस्था में देखता है ना।
और जागृत अवस्था में भी कैसे, जैसे अभी उन तालाबों में या अपनी परछाई देखना है ना, या अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनना उसी समय, या हम ये कहें इस समय उसने जीवित और मृत व्यक्ति को में जो है वो भेद को हम देख सकते हैं। मनुष्य के मरने पर उसका बोलना, चलना, खाना पीना सभी समाप्त हो जाता है ना। ऑब्वियस है, जब वो डेड है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तब आदिम मानव के मन में यह विचार आया होगा, ऐसा मानना है टाइलर का, कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जिसके शरीर से निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाती है। यद्यपि मृत्यु के बाद भी दिखाई, वह दिखाई जो है जीवित की तरह नहीं देती है, परंतु वस्तु तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार आप जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा जब जाती है तो वो दिखाई नहीं देती है, बट कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो पूरे हमारे शरीर को जो है वह चलाती है। तो इस प्रकार आदिम लोगों ने जो है अदृश्य वस्तु जो दिखाई नहीं देती है, या उस शक्ति जो कि शरीर को चलने फिरने और उसके मूवमेंट कराती थी, तब तक वह जीवित था और शरीर से अलग होने पर वह मर जाता है, के प्रति विश्वास पैदा हुआ और उसने उसका नाम दिया आत्मा। टाइलर ने आत्मा एक पतली निराकर मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोरा चलचित्र या छाया की भांति है। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज आत्मा अकॉर्डिंग टू टाइलर? आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोरा चलचित्र या छाया की भांति है। आदि मानव के मन में एक प्रश्न यह भी रहा होगा कि निद्रावस्था या व मृत अवस्था में पर्याप्त समानता होने पर भी निद्रावस्था मृत्यु जैसी क्यों नहीं? नींद में आप देखते हो, जब आप नींद लेते हो तो कहीं ना कहीं आप वैसा बिहेव नहीं करते हैं, या हम ये कहते हैं हमारे शरीर वरीर पे अगर आप नींद में अगर कोई आपको जोरदार हिलाए या आपको कुछ टच करे तो वो आपको फील होता है, बट ऐसा फील जो है व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जो है वो फील नहीं होता है। स्वप्न में शरीर में कोई शक्ति निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाती है, विभिन्न मृत एवं जीवित व्यक्तियों से मिलती है और नींद टूटने पर पुनः लौट आती है, परंतु मृत अवस्था में भी शरीर से कोई शक्ति निकलती है और शरीर को निष्क्रिय कर देती है, परंतु वह पुनः नहीं लौटती है। इस प्रकार के अनुभव जो आदिम समाजों या आदिम मनुष्य में जो रहे होंगे, उन्होंने दो प्रकार की आत्मा की धारणा पैदा करी। पहली जो आत्मा है वह मुक्त आत्मा, जिसको कहते हैं फ्री सोल, और दूसरा शरीर आत्मा। जिसको कहते हैं बॉडी सोल, जो एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है तो वह पुनः लौट कर नहीं आती है, और मनुष्य मर जाता है उसकी आत्मा भूत या प्रेतात्मा बन जाती है, वह आत्मा अमर है। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत समय पूर्व मरे व्यक्ति स्वप्न में कैसे और क्यों दिखाई देते हैं? भारत में भी अगर हम देखें,
बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हमारे सामने जो मिलती हैं, जो दो प्रकार से हमारे यहाँ स्पेशली जब हम जनजातियों की बात करते हैं, दो प्रकार से जो है अंत्येष्टि होती है। पहला एक हरी और एक सुखी, ग्रीन फ्यूनरल और ड्राई फ्यूनरल, जो इस अनिश्चितता का सूचक है कि संभवतः आत्मा पुनः लौट आए। हरिदा क्रिया मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है और सुखी दाह क्रिया कुछ समय बाद, जबकि आत्मा के पुनर्लौटने आने की संभावना शेष नहीं रहती है। टोडा जनजाति में दोनों ही प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं। हो जनजाति या मैं सुखी दाह संस्कृत क्रिया को जग टापा कहते हैं, कोटा लोग हरी जनजाति सॉरी हरी दाह क्रिया करते हैं और उसको पत्सव कहते हैं, और सुखी दाह क्रिया को जो है बलदहू कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है टाइलर जो है उनका मानना है कि एक अमूर्त या अभौतिक प्रेतात्मा के प्रति भय और श्रद्धा ही धर्म का आधार या मूल आधार है, और ये आत्माएं जो है मानव के नियंत्रण से परे हैं, परंतु मनुष्य के संबंध रखती है उनसे, अच्छे और बुरे कार्यों से प्रश्न और अप्रश्न होती हैं। इन्हें प्रश्न रखने का मनुष्य को लाभ और आनंद मिलता है और मनुष्य इसकी पूजा और आराधना करता है, और इसी प्रकार पूर्वज पूजा ही पूजा और आराधना का, यह हम ये कहें जैसे हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो इस एक तरह से हम जो है पूर्वज पूजा ही वह कर रहे हैं। अबोध बच्चे की तरह आदिम मानव सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है, अतः उसके प्राकृतिक तत्वों में भी आत्मा की कल्पना करता है। तो आत्मावाद जो है या आत्माओं में विश्वास ने बहुदेववाद को भी जन्म दिया और धीरे धीरे वो एकवाद में विकसित हुआ, और यह धारणा जो है लगभग सारी दुनिया में एक समान ही बनी है। आत्मा जो है उसको एक तरह से हम ये कहें विश्व आत्मा वर्ल्ड सोल द्वारा जो है वह संचालित होती है। कल हम इसकी क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे, इनकी भी कुछ आलोचनाएं हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे।